जय हिंद, नमस्कार, आदाब, और उम्मीद करता हूँ सभी होंगे स्वस्थ। लगभग 3 से 4 दिनों के बाद कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ कमी रहेगी तो बताना। कारण बताना उचित नहीं है कि क्यों देरी हो गई वीडियो शूट करने में। आप सीधा सुनिए वीडियो को और उसमें दी गई सूचनाओं को। अच्छा लगे तो शेयर लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करें चैनल को। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा किसी वेबिनार, संगोष्ठी या कंपटीशन के विषय में नहीं, बल्कि एक ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उसी महामारी को लेकर कई संगोष्ठियां, वेबिनार, वर्कशॉप हो चुके हैं, लेकिन लिखित रूप में एक पुस्तक आई है। जी हाँ, एक लिखित रूप में आपके समक्ष पुस्तक आई है और आपके ही समाज के लोगों ने उसको लिखा है। क्या लिखा है उस पुस्तक में और किस दृष्टिकोण से उसको लिखा है, ये सभी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि यदि वीडियो में दी गई सूचनाएँ आपको अच्छी लगती हैं और पुस्तक में रुचि होती है इसके लेखों में, तो आप इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पुस्तक में जो है, जो कोरोना महामारी को लेकर लिखी गई है, इसमें ऐसा क्या है जो अन्य जगह आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने पुस्तक का काफ़ी डीपली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी मेरी 1-2 वर्षों की साहित्यिक समझ है, उसके आधार पर मैंने ये समीक्षा की है। और एक बात मैं मूल रूप से बता दूँ कि यह पुस्तक मूल रूप से साहित्य पर केंद्रित नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साहित्य भी इस पुस्तक में एक विषय के रूप में है। इसमें पुस्तक में आपको कविताएं भी मिलेंगी, कहानियां मिलेंगी, रेखा चित्र भी मिलेंगे, आलेख मिलेंगे, शोध आलेख मिलेंगे, लोगों की आप बीतियां मिलेंगी और कोविड का महामारी जो फैली है पूरे विश्व में, उसका सामाजिक पक्ष क्या है, आर्थिक पक्ष क्या रहा है, महिलाओं पर क्या असर रहा है, बच्चों पर क्या असर रहा है और सिनेमा जगत पर क्या प्रभाव रहा है, हमारे उन जनजातीय या कहें कि ऐसी अनुसूचित जनजातियों पर जिसे समाज के मूल धारा से हमने हमेशा से अलग कर कर रखा है, उस समाज, उस घुमंतू जनजातियों पर, कबीली जनजातियों पर क्या इफ़ेक्ट एंड साइड इफ़ेक्ट हुआ है इस कोविड महामारी का, ऐसे ही बहुत से विषय इस पुस्तक में इंक्लूड किए गए हैं। अब मैं इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से कुछ विषयों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको जानकर आपको पता लगेगा ये पुस्तक कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये पुस्तक हिंदी भाषा में है, जी हाँ, हिंदी भाषा में है, लेकिन इस पुस्तक में आपको अंग्रेजी भाषा के भी कुछ लेख ज़रूर प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ इस पुस्तक में जिन्होंने लेख लिखे हैं, वह विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के, साथ ही साथ शोधार्थी भी हैं इसके अंतर्गत, और शिक्षकों ने भी इसके अंतर्गत अपने लेखों को दिया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहली चीज़, पुस्तक का नाम और इसके लेखक, साहित्यिक संवेदनाएं और कोरोना महामारी, यह इस पुस्तक का शीर्षक है, साहित्यिक संवेदनाएं और कोरोना महामारी। और इस पुस्तक को 2 लेखकों ने, एक लेखक और एक लेखिका, दोनों ने मिलकर लिखा है और संयोग से पुस्तक के लेखक और लेखिका दांपत्य हैं, ज्योति सिंह जी और मनीष कुमार जी, दोनों अभी नव विवाहित हैं, 1 से 1.5 वर्ष हुआ है इनके विवाह को और इनकी ये पहली पुस्तक है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। पुस्तक कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, वह सभी बातें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। अब आते हैं विषयों पर कि उस पुस्तक में आखिर ऐसा है क्या, ऐसी क्या लेख हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो उस पुस्तक में कही गई हैं, जिस पर चर्चाएं नहीं हुई हैं वेबिनार्स में, ना ही ई गोष्ठियों में, ना ही कार्यशालाओं में। इस पुस्तक में कई विषयों में से एक विषय है कि भारतीय शिक्षा पर कोरोना महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है। और जो भी सेमिनार, वर्कशॉप आपने सुने हैं या सुनने की कोशिशें की हैं, उसमें इस कोविड का नेगेटिव प्रभाव ही ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन इस पुस्तक में एक लेख है डॉक्टर
प्रमोद कुमारी यादव जी का, जिन्होंने इस महामारी का शिक्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभावों को चित्रित किया है, उद्धृत किया है, तो ये लेख पढ़ने लायक है। इस पुस्तक में एक और लेख है, वैश्विक महामारी का वर्तमान के मजदूर वर्ग या मजदूर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसी लॉकडाउन में, इसी महामारी के चल के मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में लेबर लॉ में जो कटौतियां, जो पाबंदियां लगाई गई जुलाई के महीने में, वह भी सभी जानते हैं। तो मजदूर वर्ग की स्थिति सरकारी नीतियों के कारण, कोविड महामारी के कारण और लेबर लॉ में जो कटौतियां की गई, उसका एक मिला जुला चित्रण आपको इस पुस्तक में, एक लेख में पढ़ने को मिलेगा। एक और इसमें लेख है कि जो साहित्य की एक सबसे प्राचीन विधाओं में से मैं अगर कहूँ, मैं कहूँ और गलत होता हूँ तो मैं सही कीजिएगा, कविता, हिंदी कविता पर इस कोविड महामारी ने क्या छाप छोड़ी है और कैसी संवेदनाएँ, कैसी शैलियाँ और कैसे भावों को व्यक्त करने का नया दृष्टिकोण पैदा हुआ है हमारे कवि और कवित्रियों में, कविता के क्षेत्र में, उससे संबंधित भी एक लेख आपको पढ़ने सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ इस पुस्तक में एक लेख आपको मिलेगा हमारे किसानों को लेकर, भारतीय किसान और भारतीय कृषि पर क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट हुआ है इस कोविड का, उसको लेकर एक लेख मिलेगा। साथ ही साथ एक ऐसा माध्यम जो संवेदनाओं, भावों और अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का, व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम वर्तमान में नहीं, वैश्विक दुनिया में स्वीकार किया गया है, उस माध्यम का नाम है सिनेमा। तो यानी के सिनेमा पर इस कोविड के आने के पूर्व और कोविड के दौरान क्या प्रभाव पड़ा है सिनेमा पर, और ख़ासकर हॉलीवुड सिनेमा पर क्या प्रभाव पड़ा है कोविड महामारी का, उसको लेकर भी इसमें एक लेख दिया गया है। जैसा कि मैंने बात कही थी भूमिका में जनजातीय समाज की, उसी में एक जनजाति आती है घुमंतू जनजाति, यानी कि हमारे देश दुनिया में या किसी भी मुल्क में जो बंजारे, बैरागी या घुमंतू जनजातियां होती हैं, जैसे जनजातियों के साथ साथ हम आदिवासी समाज के नाम से भी जानते हैं, उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है इस कोरोना का, उसको जानना समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगभग पिछले 5 महीनों में जितने भी ई गोष्ठियाँ, वेबिनार हुए हैं, इस घुमंतू जनजाति को लेकर 1 से 2 वेबिनार हुए हैं जितनी मेरी जानकारी है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उन घुमंतू जनजातियों पर जो समाज से अलग हटकर रहने के लिए हम जैसे सभ्य लोगों ने मजबूर कर दिया है, उन जनजातीय समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है इस कोरोना का। प्रकाश रणसिंह जी का लेख इस पर है, बेहतरीन लेख है, इसको ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करिए। एक और इसमें है कि वैल्यूज़, मूल्य, मानव मूल्य किस प्रकार शत विशत हुए हैं इस कोविड के दौर में, उसको भी जानना होगा। और मानव मूल्य आपके सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं और राजनैतिक भी हो सकते हैं। जी हाँ, मानव मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ कई दृष्टिकोणों से देखने और समझने की एक वस्तु, मैं नहीं कहूँगा एक आपका संस्कार कहूँगा, उन मानव मूल्य संस्कारों पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है उसको लेकर भी इसमें एक लेख है। एक लेख इसमें है, दुनिया का जो आधा वर्ग है जिसे हम समझते हैं और मानते भी हैं स्त्री, उस स्त्री पर क्या प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन का कोरोना के दौर में, क्या स्त्री की स्थिति बदतर हुई है या बद से भी हत्तर बदहवास हुई है, या हमारी सामाजिक, राजनैतिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं के इर्द गिर्द ही स्त्री की स्थिति इस लॉकडाउन में और बेहतर हुई है, या उसको नियंत्रण में रखा गया है, कई दृष्टिकोणों से इसमें एक लेख लिखा गया है जो पुस्तक की लेखिका हैं उनके माध्यम से, ज्योति सिंह जी के माध्यम से। एक लेख और इसमें और है, गुरमीत सिंह जी का साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया लेख है, और इस कोरोना महामारी की के समक्ष या कोरोना महामारी के दौर में विज्ञान की क्षमा कीजिए, विज्ञान की क्या चुनौतियां रही हैं
और किस प्रकार की से विज्ञान सामना कर रहा है उन कोविड की चुनौतियों का, उसको लेकर भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सामाजिक मूल्यों के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इसमें एक लेख लिखा गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए, योगेश वैष्णव जी, इनका लेख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह उस दौर के उस वर्ग पर लिखा केंद्रित लेख है जिसे हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र का चौथा या कहें एक काल्पनिक स्तंभ मानते हैं जिसका नाम है मीडिया। जी हाँ, मीडिया, मैं माध्यम की नहीं बात कर रहा, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूँ जो आपको अपनी इच्छा के अनुसार ही चीज़ों को दिखाता है, आप जो चाहते हैं वह नहीं दिखाता है, ऐसा आरोप स्वास्थ्य बहुत खराब है मेरा इसलिए क्षमा कीजिएगा, उस मीडिया पर ये दोष लगता रहा है कि मीडिया अपने अकॉर्डिंग अपनी जनता को आपके अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार न्यूज़ परोसता है, खबरें परोसता है, तो उस मीडिया के क्या प्रभाव है सकारात्मक और नकारात्मक इस कोविड 19 के दौर में, उसको लेकर भी इसमें लेख है। तो इसी प्रकार के इसमें लगभग 20 से 30 लेख लिखे गए हैं और पूरी पुस्तक लगभग 250 से 300 पेजेस की है और इसमें मैं खाली विषय सूची आपको बता देता हूँ, आपका इंटरेस्ट जगेगा इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर खरीदिए और दो फॉर्मेट से आप पुस्तक को प्राप्त करेंगे, दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से भी देखिए। और इसमें एक लेख और है, क्योंकि इस कोविड ने जितना प्रभावित व्यापार को किया है, राजनैतिक व्यवस्थाओं को किया है और उन सभी के मूल में या समाज के मूल में कोई चीज़ बसती है या जिसके अभाव में कोई भी समाज, संस्कृति या सभ्यताएं अपना विकास नहीं कर सकती, उस चीज़ या वस्तु का नाम है शिक्षा। जी हाँ, एजुकेशन। तो इस कोविड काल में शिक्षा का जो नया प्रयोग हुआ है, खासकर शिक्षण के क्षेत्र में, जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन एजुकेशन, उस ऑनलाइन शिक्षा का क्या भविष्य और क्या योगदान हो सकता है या नहीं इस कोविड के दौर में, उसको लेकर भी इसमें एक लेख है। और साथ ही साथ प्रकृति, नेचर, प्रकृति से हम जो खिलवाड़ करते हैं या विकास के नाम पर, सो कॉल्ड विकास के नाम पर प्रकृति की गोद में जो हम जहर बोते जा रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट एंड नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं इस कोविड के दौर में या कोविड समाप्त होने के बाद में भी, उसको लेकर भी इसमें एक बेहतरीन लेख है। जो लोग ज्योग्राफी के, एनवायरमेंटल साइंस के एंड नेचर से रिसर्च करते हैं, सोशल वर्क की फील्ड में हैं, उनके लिए लेख पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक शोध परक लेख है, ध्यान रखिएगा यह एक शोध परक लेख है, रिसर्च आर्टिकल के रूप में है। एक लेख इसमें और आया है प्रवासी श्रमिकों को, संघर्षों को लेकर, प्रवासी मजदूर मैं नहीं बोलूँगा, प्रवासी जो प्रवासी श्रमिक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है इस कोविड का और किस प्रकार की संघर्ष की गाथा रही है उनकी, उसको लेकर भी इसमें एक लेख है। जैसा कि मैंने कहा कि यह पुस्तक साहित्य पर केंद्रित नहीं है, लेकिन लिखा इसे साहित्य के इर्द गिर्द के दृष्टिकोण वाले लोगों ने ही है, लेकिन पुस्तक साहित्य केंद्रित नहीं है, पुस्तक सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर है, पुस्तक हमारे समाज की मॉरल वैल्यूज़ पर टिकी हुई है और इस बुक्स में समाज के भीतर चल रहे संघर्ष, राजनीतिक द्वंद, सामाजिक बदलाव और प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान की पृष्ठभूमि पर भविष्य के लिए एक समाधान और एक नए मार्ग का रास्ता प्रशस्त करती है इस पुस्तक में प्रस्तुत बेहतरीन जो लेख है। जब आप पढ़ेंगे आप लेखक और लेखिकाओं की दृष्टि को भी समझेंगे और साथ ही साथ इस कोविड 19 का हमारे शहरों और हमारे गांवों पर क्या प्रभाव पड़ा है, कैसा प्रभाव पड़ा है, उसको लेखर भी इसमें लेख हैं। जी हाँ, और जब आप शहर और गाँव की पृष्ठभूमि में जाते हैं और देखते हैं कोविड का क्या असर हुआ है शहरी जीवन पर और ग्रामीण जीवन पर, तब आप
कहीं ना कहीं इस देश या समाज में इस कोविड के दो रूपों को देखने का पूर्ण रूप से प्रयास भी करेंगे, और साथ ही साथ इसी कोविड के अंतर्गत आने वाली महामारी में साहित्य की एक छोटी सी विधा है जिसे बोलते हैं लघु कथाएं। छोटी छोटी कथाएं होती हैं जिसे कुछ लोग एकांकी भी कह देते हैं, विधापत नाच भी कह देते हैं, रिपोर्टार्ज का भी छोटा सा अंश कह देते हैं, या फिर एक जो साहित्य की गहरी समझ रखते हैं वे महाकाव्य के छोटे से अंश के रूप में चंपू काव्य या खंड काव्य भी कह देते हैं। तो उसी का एक छोटा सा पाठ है लघु कथाएं। तो इस कोरोना महामारी को लेकर कुछ लघु कथाएं भी आपको पढ़ने छोटे को मिलेंगी, एक से दो दो पेजेस की, उसको भी समझिएगा कि साहित्य की विधाएं और समाज में होने वाले परिवर्तनों पर इस कोविड महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है और कितना प्रभाव पड़ा है। तो इस पुस्तक को सभी परचेज करें, सभी पढ़ें। वीडियो जहां भी जा रही है, जहां भी देखी जा रही है, इस सूचना को शेयर करें। जो सूचनाएं मैंने दी पुस्तक के विषय में, पुस्तक में दिए गए लेखों के विषय में, और उन लेखों पर जो मैंने अपने विचार रखे, उसको लेकर कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई सवाल, कोई द्वंद, कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे ही करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि इसी पुस्तक के लेखक और लेखिका ने अपने अपने फेसबुक पर भी इसको शेयर किया है, लेकिन वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो भी सूचनाएं या लेख लेखिकाओं से संबंधित, या फिर पुस्तक कैसे परचेज करनी है भविष्य में, या किसी को आपको गिफ्ट करनी है तो पुस्तक कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और विशेष रूप से अमेज़न पे ये पुस्तक उपलब्ध है, वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस पुस्तक के जो लेख है ना, जैसा कि मैंने कहा, इस पुस्तक के जो लेख हैं वह वर्तमान की भूमि पर खड़े हैं और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करते हैं। और यह पुस्तक की सूचना यदि किसी राजनेता पर, किसी नीति बनाने वाले मंत्रालय के व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच रहा है, वह उस पुस्तक को ज़रूर पढ़े, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि भविष्य के लिए मार्गदर्शिका का काम कर रही है इस पुस्तक में दिए हुए लेख। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस 17-18 मिनट के वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत आपको सलाम है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन बहुत ज़रूरी विषय था, क्योंकि कल से है 1 अक्टूबर और शायद आज शाम से ही मुझे गांधी जी को लेकर होने वाले कई वेबिनार और संगोष्ठियों और लेक्चरों की कई वीडियो बनानी है, 5 से 7 वीडियो। तो इस पुस्तक पे वीडियो बनाने का समय अभाव रहता और बहुत प्रेशर भी था इसको बनाने का। इस वीडियो को पसंद किया या नहीं पसंद किया यह आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य था सूचना अपने अनुसार नहीं, जो भी मेरी थोड़ी सी समझ है 1-2 किताबों की साहित्यिक, और 1-2 वर्षों का जो मेरा अध्ययन है शिक्षा का, उसी के आधार पर मैंने सूचनाओं को अपने अनुसार एलुब्रेट या अपने अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो पुनः आपसे यही कहूँगा कि साहित्यिक संवेदनाएं और कोरोना महामारी पर आई इस पुस्तक को ज़रूर से ज़रूर खरीदें। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक ज्योति सिंह और मनीष कुमार जी को, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा और जिन्होंने भी इस पुस्तक को लिखने के लिए सहयोग दिया, उस संपूर्ण टीम को मेरा तहे दिल से सलाम है कि एक लिपिबद्ध रूप में एक लिखित सामग्री आपने समाज के भीतर लाए, और वह भी एक शोध परख लेख के रूप में और एक भविष्य की दृष्टि के रूप में, और कहें कि भविष्य में यदि समाधान कोविड का एक ब्लूप्रिंट अगर मैं कहूं तो ये पुस्तक उसमें से एक हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो वीडियो करता हूं समाप्त। आज है 30 सितंबर, एक फेसबुक लाइव करूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे फेसबुक चैनल पर आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने फेसबुक चैनल का लिंक भी दिया है। तो आज की फेसबुक लाइव को सुने, विषय क्या हो सकता है वह मैंने आपसे सुझाव मांगे हैं, 4 विषय मैंने रखे हैं, किस विषय पर आप चाहते हैं लाइव मुझे बताएं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय संविधान, सलाम।